साथियों नमस्कार। चंद्रा इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन क्लास में मैं अतुल मिश्रा आप सबका स्वागत करता हूं। दोस्तों जैसा कि आपको दिखाई दे रहा होगा कि ये वीडियो आपके यूपी पीसीएस एग्ज़ाम से संबंधित है और अभी तक आपने यूपी पीसीएस के एग्ज़ाम में मेरे द्वारा दो वीडियोस को देखा था, यानी कि मेरे दो लेक्चर आपने देख लिया है। पहले और दूसरे लेक्चर में, पहले लेक्चर में जनरली आपको मेरे द्वारा सिलेबस के बारे में जानकारी दिया गया था और आपको ये बताया गया था कि सबसे ज़्यादा प्रश्न कहाँ से एग्जामिनर या आयोग के द्वारा निर्धारित किए जाते हैं। दूसरे लेक्चर में मैंने आपका पहला चैप्टर शुरू किया था जिसका नाम था पोषण तथा पाचन तंत्र, और जिसमें सबसे पहले मैंने आपको न्यूट्रिशन यानी कि पोषण के संबंध में जानकारी दिया था और फिर मैंने पाचन तंत्र के बारे में, डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में आपको बताया था, एक फिगर डायग्राम बना करके बताया गया था। आज के इस लेक्चर में सबसे पहले मैं 5 से 7 मिनट पुराने चीज़ों को कंसीडर करूंगा ताकि फिर से आपके दिमाग में चीज़ें रिमाइंड हो जाएं और फिर मैं फिगर के माध्यम से उन्हीं चीज़ों को आपको समझाने का प्रयास करूंगा। सबसे पहले तो आपको मैंने ये कहा था कि जहां पर भी मैं भोजन की बात करूंगा वहां पर अपने आप को, अपने दिमाग में आपको ये लाना है कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, वाटर, मिनरल्स एंड विटामिन, ये 6 प्रकार के भोजन यानी कि भोज्य पदार्थ होते हैं। और फिर मैंने आपको ये भी बताया था कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट ये 3 वृहद अणु होते हैं, जटिल अणु होते हैं, इसलिए हमारा शरीर कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट को यूज नहीं कर पाता। इसलिए हमारा शरीर कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट को यूज करने के लिए पहले इन तीनों को पचाता है और पचा करके इनको सरल अणुओं में परिवर्तित करता है और फिर इनको यूज करता है। तो कहने का तात्पर्य ये है कि जहां पर आपको भोजन की बात किया जाए तो वहां पर आपके दिमाग में तुरंत ये चीजें आनी चाहिए, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, वाटर, मिनरल्स और विटामिन। और दूसरी चीज आपके दिमाग में ये आनी चाहिए कि हमें पचाना है केवल और केवल कार्बोहाइड्रेट को, प्रोटीन को और फैट को, जबकि वाटर, मिनरल्स और विटामिन को बिना पचाए ही हमारा शरीर यूज कर लेता है। अब प्रश्न ये है कि इन 6 3 प्रकार के भोज्य पदार्थों का पाचन करता कौन है? तो मैंने आपको बताया था कि हमारे शरीर के वे सभी अंग जो इन 3 प्रकार के भोज्य पदार्थों को पचाने में इन्वॉल्व होती हैं, उन्हें कलेक्टिवली बोला जाता है पाचन तंत्र। फिर मैंने आपको बताया कि मनुष्य का पाचन तंत्र जो होता है ये 2 भागों से मिलकर के बना होता है। पहला होता है जिसे बोला जाता है आहार नाल, यानी कि इंग्लिश में इसे बोला जाता है एलिमेंट्री कैनाल, और दूसरा होता है जिसे बोला जाता है सहायक पाचक अंग यानी एसेसरी डाइजेस्टिव ऑर्गन। आपको मैंने ये जानकारी दिया था कि आहार नाल जो होता है यही भोजन को पचाने में मुख्य रूप से महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है, यानी आहार नाल अंगों का ऐसा समूह होता है जो प्रत्यक्ष रूप से भोजन का पाचन करता है, जबकि सहायक पाचक अंग अंगों के ऐसे समूह होते हैं जो आहार नाल को सपोर्ट करते हैं ताकि आहार नाल भोजन का पाचन कर सके। बात को ध्यान से सुनिए, मैंने कहा कि आहार नाल ऐसा अंग होता है जो खुद भोजन को पचाता है, सहायक पाचक अंग आहार नाल को सपोर्ट करते हैं ताकि आहार नाल भोजन का पाचन कर सके। अब इस आहार नाल के बारे में मैंने आपको जानकारी दिया था कि मनुष्य का जो आहार नाल होता है इसकी लंबाई जो होती है ये लगभग 33 फिट होती है, 33 फिट लंबी होती है। कौन? आहार नाल। अब इस आहार नाल का अगर मैं स्ट्रक्चर बनाऊं तो मैं पेज को पलटूंगा, ये सारी चीजें आप पहले लिख चुके होंगे इसलिए दोबारा लिखने की जरूरत नहीं है। ये जो आहार नाल होता है इसमें जो पहला अंग होता है उसे बोला जाता है मुख, जो दूसरा अंग होता है उसे बोलते हैं ग्रसनी,
तीसरा अंग जो होता है उसे बोला जाता है ग्रास नली। यहां पर ध्यान दीजिएगा कि ये जो डायरेक्शन बना रहा हूं मैं, ये एकदम क्रम से है और उम्मीद है कि आप लोग इसे क्रम से याद करेंगे। ग्रास नली के बाद आमाशय का नंबर आता है और आमाशय के बाद छोटी आंत का नंबर आता है, स्मॉल इंटेस्टाइन का नंबर आता है, और छोटी आंत के बाद बड़ी आंत का नंबर आता है। तो कुल मिलाकर के हमारे आहार नाल में इतने अंग होते हैं। यहां पर एक बात गौर करिएगा कि ये जो छोटी आंत होता है इसका नाम ही केवल छोटी आंत है, सच में ये बहुत बड़ी होती है और इसकी लंबाई लगभग 22 फीट होती है, जबकि बड़ी आंत का नाम ही केवल बड़ी आंत है, सच में बड़ी आंत बहुत छोटी होती है और इसकी लंबाई मात्र 2.5 फीट होती है। तो सच में छोटी आंत बड़ी होती है और बड़ी आंत छोटी होती है। अब यहां पर ध्यान दीजिएगा कि ये जो छोटी आंत होता है, इस छोटी आंत का निर्माण तीन भागों से होता है। जो पहला भाग होता है उसे बोला जाता है ग्रहणी, जो दूसरा भाग होता है उसे बोला जाता है मध्यांत्र, और जो तीसरा भाग होता है उसे बोला जाता है शेषांत्र। उसी प्रकार से इस बड़ी आंत के तीन भाग होते हैं और इसका जो पहला भाग होता है उसे बोलते हैं सीकम, जो दूसरा भाग होता है उसे बोला जाता है वृहदांत्र, और जो तीसरा भाग होता है उसे बोला जाता है मलाशय। इस तरीके से तो वृहदांत्र, मलाशय और सीकम, यानी ये क्रम से है बिल्कुल। पहले नंबर पर यहां पर सीकम है, दूसरे नंबर पर वृहदांत्र है, तीसरे नंबर पर मलाशय है, पहले नंबर पर ये है, दूसरे नंबर पर ये है और तीसरे नंबर पर ये है। फिर मैंने आपको अपने दिमाग में वो चीज एकदम याद कर लीजिए कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट को डाइजेस्ट करने की जरूरत है, लेकिन वाटर, मिनरल्स और विटामिन को डाइजेस्ट करने की जरूरत नहीं है। अगर आपके मन में प्रश्न आ रहा है कि क्यों कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट को डाइजेस्ट करने की जरूरत है और उसको क्यों नहीं है जरूरी, तो रीजन ये है कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट एक प्रकार के जटिल अणु होती हैं। पहले हमारा शरीर इन तीनों को पचा करके सरल अणुओं में परिवर्तित करता है, फिर हमारा शरीर इसको यूज करता है। अब देखिए यहां पर आपको बताया गया कि मुख ऐसा अंग होता है जहां से भोजन का पाचन शुरू होता है। मैंने क्या बताया आपको कि भोजन का पाचन शुरू होता है, और भोजन में किस प्रकार के भोजन का पाचन शुरू होता है, कार्बोहाइड्रेट का, खासकर स्टार्च, यानी कार्बोहाइड्रेट में स्टार्च का पाचन होता है, क्योंकि मनुष्य की लार में एक एंजाइम पाया जाता है जिसका नाम होता है टाइलिन एंजाइम। ये नाम याद रखेगा, टाइलिन एंजाइम, और ये स्टार्च को पचा करके उसे सुगर में, शर्करा में परिवर्तित कर देता है। और यही कारण है कि जब हम रोटी को अच्छी तरह से चबाते हैं तो रोटी हमें मीठी लगती है। उसके बाद इस ग्रसनी और इस ग्रास नली में भोजन का पाचन नहीं होता। प्रश्न यह है कि ग्रसनी और ग्रास नली में भोजन का पाचन क्यों नहीं होता, तो उसका उत्तर यह है कि भोजन का पाचन वहीं पर पॉसिबल है, भोजन को वहीं पर पचाया जा सकता है जहां पर भोजन को पचाने वाले एंजाइम पाए जाएंगे। ग्रसनी और ग्रास नली में भोजन को पचाने वाला एंजाइम नहीं पाया जाता, और यही कारण है कि ग्रसनी और ग्रास नली में भोजन का पाचन नहीं होता। उसके बाद जब भोजन आमाशय में आता है तो इस आमाशय में केवल और केवल प्रोटीन का पाचन होता है। याद रखिएगा, आमाशय में केवल और केवल प्रोटीन का पाचन होता है, और 70% प्रोटीन का डाइजेशन जो होता है वो आमाशय में होता है। अब आपके मन में उत्तर स्वयं आ गया होगा,
क्योंकि मैंने अभी जस्ट बताया कि भोजन का पाचन वहीं पर पॉसिबल है जहां पर भोजन को पचाने वाले एंजाइम मौजूद होते हैं। प्रोटीन का पाचन अगर आमाशय में हो रहा है तो नो डाउट कि यहां पर यानी आमाशय में प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम पाया जाता होगा। तो इस आमाशय में प्रोटीन को पचाने के लिए दो एंजाइम पाए जाते हैं, एक का नाम होता है पेप्सिन और दूसरे का नाम होता है रेनिन। याद रखिएगा, पेप्सिन और रेनिन एंजाइम पाए जाते हैं। पेप्सिन एंजाइम जो होता है ये सामान्य प्रकार के प्रोटीन का पाचन करता है, जबकि रेनिन जो होता है ये दूध में उपस्थित केसिन प्रोटीन का पाचन करता है। आपसे सवाल पूछा जाता है कि दूध में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है, तो दूध में केसिन प्रोटीन पाया जाता है। कौन सा एंजाइम केसिन प्रोटीन का पाचन करता है? रेनिन एंजाइम केसिन प्रोटीन का पाचन करता है। कहां पर करता है? आमाशय में करता है। दूध का सफेद रंग किसके कारण होता है? रेनिन एंजाइम के कारण। दोस्तों, ये जो रेनिन एंजाइम होता है, जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है वैसे वैसे रेनिन एंजाइम की मात्रा या एक्टिविटी हमारे बॉडी में घटती चली जाती है। यही कारण है कि उम्र बढ़ने के साथ दूध को पचाने की क्षमता भी हमारे बॉडी में कम होती चली जाती है। अब ग्रहणी में यानी कि छोटी आंत के पहले भाग जब ग्रहणी में आता है भोजन, तो इस ग्रहणी में भोजन का सर्वाधिक पाचन होता है। मैक्सिमम डाइजेशन जो होता है वो ग्रहणी में होता है। प्रश्न ये है कि ग्रहणी में भोजन का सर्वाधिक पाचन क्यों होता है? उसका उत्तर ये है, क्योंकि ग्रहणी में, ग्रहणी के बगल में अग्नाशय, अभी मैं फिगर जब बनाऊंगा तो चीजें और क्लियर होंगी। ग्रहणी के बगल में अग्नाशय, जिसे इंग्लिश में पैंक्रियाज कहा जाता है, इस ग्रहणी के बगल में पैंक्रियाज पाया जाता है, अग्नाशय पाया जाता है। ये एक अंग है और ये भोजन को पचाने वाले सभी एंजाइम का निर्माण करके ग्रहणी में भेज देता है। यही कारण है कि ग्रहणी में भोजन का सर्वाधिक पाचन होता है। यानी अगर यहां पर देखा जाए तो यहां तक हमने भोजन को पचा लिया है, मध्यांतर और शेषांतर में भोजन का बहुत थोड़ा सा पाचन होता है, और शेषांतर तक आते आते मनुष्य में भोजन का पाचन जो होता है वो पूरा हो जाता है, पूर्ण हो जाता है। याद रखिएगा कि शेषांतर तक आते आते मनुष्य में भोजन का पाचन पूरा हो जाता है। अब ये जो मध्यांतर और शेषांतर होता है, ये छोटी आंत के बहुत लंबे भाग होते हैं, सबसे लंबा मध्यांतर होता है। तो जब यहां पर ये भोजन को थोड़ा बहुत पचा रहा है तो करता क्या होगा? ये सबसे ज्यादा भोज्य पदार्थों का अवशोषण करता है, एब्जॉर्प्शन करता है। उसके बाद जो चार पैर वाले शाकाहारी जानवर होते हैं, जैसे खरगोश है, हिरन है, बकरी है, इन सब में पाचन जो होता है वो सीकम में पूरा होता है, क्योंकि शाकाहारी जंतुओं में सेलुलोज का पाचन होता है, और सेलुलोज को पचाने के लिए इस सीकम के बगल में एक अंग पाया जाता है जिसे अपेंडिक्स कहा जाता है। अपेंडिक्स जो होता है वो इस सेलुलोज के पाचन में सहायता करता है। अब यहां पर ध्यान दीजिए कि ये मैंने शाकाहारी जंतुओं के संबंध में बात किया, मनुष्यों में सेलुलोज का पाचन नहीं होता। एकदम गौर से सुनिएगा कि मनुष्यों में सेलुलोज का पाचन नहीं होता, इसलिए मनुष्यों में अपेंडिक्स का कोई कार्य नहीं है, इसलिए मनुष्यों में अपेंडिक्स को अवशेषी अंग के रूप में, वेस्टिजियल ऑर्गन के रूप में गिना जाता है। तो इस तरीके से ये पिछले लेक्चर का कुछ रिव्यू था जो आपको एक बार में बताने का प्रयास किया गया। इसको मैं अभी हटाऊंगा, उम्मीद करता हूं कि आप इसका स्क्रीनशॉट जरूर लिए होंगे। अब मैं इसी को फिगर के माध्यम से बताने का प्रयास करूंगा। तो दोस्तों आते हैं, इसी चीज को फिगर से समझते हैं। यहां पर ध्यान दीजिए, जैसे मान लीजिए कि
जैसे मान लीजिए कि ये है हमारा मुख, मान लीजिए कि ये है हमारा मुख और मुख के ठीक ऊपर होती है हमारी नाक। एग्जैक्टली जैसे मान लीजिए कि ये है मुख और मुख के ठीक ऊपर क्या है, नाक है। ये जो मुख का छिद्र आप देख रहे हैं, ये मुख का छिद्र अंदर से ऐसे होते हुए यहां पर आकर के खुला हुआ है गले के पास, और ये जो ऊपर से नाक के दो छिद्र जो आपको दिखाई दे रहा है, ये छिद्र भी ऐसे अंदर से आकर के वो भी यहीं पर खुला होता है। जैसे अब फिगर से माध्यम से समझें अगर, तो ये देखिए ऐसे ऊपर से होते हुए आती है नाक और नीचे से होता हुआ आता है मुख, और इस तरीके से नाक का छिद्र और मुख का छिद्र दोनों एक ही अंग में आकर के खुले होते हैं। जिस अंग में ये दोनों अंग आकर के खुले होते हैं उसी को बोला जाता है ग्रसनी, यानी इंग्लिश में इसे बोला जाता है फेरिंग्स कहा जाता है। दोस्तों एकदम ध्यान दीजिएगा कि मुख का छिद्र और नाक का छिद्र दोनों के छिद्र एक ही अंग में, नाक का छिद्र ऐसे ऊपर से होकर के आया यहां पर खुल गया और मुख का छिद्र भी वहीं पर जाकर के खुला हुआ है। अब इससे होता क्या है, होता यह है कि मुख को इसलिए बनाया गया है, मुख का यूज हम लोग कहां पर करते हैं, मुख की सहायता से हम भोज्य पदार्थ को ग्रहण करते हैं, फूड पार्टिकल को इनटेक करते हैं, और नाक से हम क्या ग्रहण करते हैं, वायु ग्रहण करते हैं। ध्यान से समझिएगा, नाक से हम वायु ग्रहण करते हैं और मुख से भोजन ग्रहण करते हैं, तो वायु से जब हम नाक को ग्रहण करेंगे तो वायु नाक से होते हुए ऐसे नाक से होते हुए कहां पर चला आएगा, ग्रसनी में चला आएगा, कौन, वायु चला आएगा। और जब हम मुख से भोजन को ग्रहण करेंगे तो भोजन भी कहां पर चली आएगी, ग्रसनी में चली आती है। चीजें क्लियर हो रही हैं कि नहीं हो रही हैं भाई? नाक का छिद्र ओवरऑल आकर के ग्रसनी में खुला है और नीचे से मुख का छिद्र, दोनों के छिद्र एक ही अंग में खुले हैं, तो जब हम मुख से भोजन ग्रहण करेंगे तो भोजन भी ग्रसनी में आएगा, और जब हम नाक से वायु ग्रहण करेंगे ऐसे, तो वायु भी कहां पर आ जाएगी, ग्रसनी में आ जाएगी। तो यहां पर एक बेहद ही महत्वपूर्ण सवाल एग्जामिनर पूछता है कि आहार नाल का ऐसा कौन सा अंग है जो भोजन और वायु दोनों का संवहन करता है। आहार नाल का ग्रसनी एक ऐसा अंग है जो भोजन और वायु दोनों का संवहन करता है। अब यहां पर देखा जाए तो हमें एक फायदा हुआ है, फायदा यह हुआ है कि अंग है हमारा एक और काम कर रहा है दो, यानी ग्रसनी एक अंग है और ये दो काम किया, इसने वायु को भी संवहन किया और इसने भोजन को भी संवहन किया। लेकिन अगर दूसरे तरीके से देखें तो हमें एक छोटी सी प्रॉब्लम हो गई। प्रॉब्लम क्या हो गई वो समझिए, हमने वायु को क्यों ग्रहण किया था कि वायु को हमें कहां पर ले जाना है, फेफड़े में ले जाना है। भाई हम सांस लेते हैं तो सांस लेकर के नाक से वायु ग्रहण करते हैं, तो वायु को कहां ले जाने के लिए, फेफड़े में ले जाने के लिए। और जब हम भोजन ग्रहण करते हैं तो भोजन को हम कहां ले जाते हैं, आमाशय में ले जाती हैं। लेकिन दोनों एक ही जगह पर आ गया है, अब यहीं से हमें दोनों को अलग अलग ले जाना है। तो यहां से इस ग्रसनी से एक नली निकलती है जिसे बोला जाता है ग्रास नली, और ये जो ग्रास नली होता है इसे ग्रास नली कहा जाता है। ये ग्रास नली जो होता है ये केवल और केवल भोजन को, यानी कि फूड को, अब यहीं से दोनों अलग हो गया, ग्रसनी भोजन को लेकर के चला आता है कहां पर, आमाशय में लेकर चला आता है। और इसी के बगल से एक दूसरी नली निकलती है जिसे बोला जाता है वायु नली, जिसे मैं रेड कलर से बना रहा हूं, इसे बोला जाता है विंड पाइप या वायु नली कहते हैं। और ये जो वायु नली होता है ये केवल और केवल वायु को कहां पर लेकर चला आता है, फेफड़े में लेकर चला आता है।
तो कॉन्सेप्ट को समझने का प्रयास करिए। नाक से वायु आया ग्रसनी में, फिर वायु नली की सहायता से वायु कहां पर चला गया, फेफड़े में चला गया। मुख से भोजन आया ग्रसनी में, भोजन ऐसे मुख से आया ग्रसनी में, फिर भोजन ग्रास नली की सहायता से कहां पर चला आया, आमाशय में चला आया। कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ कि नाक से वायु आया ग्रसनी में पहले, फिर वायु नली की सहायता से वायु कहां पर चला आया, फेफड़े में, और मुख से भोजन आया ग्रसनी में, और फिर भोजन ग्रास नली की सहायता से आमाशय में चला आया। अब यहां पर ध्यान दीजिए कि मैंने आपको बताया क्या है वो समझिए, पहले एक सीधा सीधा मतलब निकालिए। मैंने कहा कि वायु नाक से होते हुए सबसे पहले ग्रसनी में आया, फिर वायु नली की सहायता से वायु फेफड़े में चला गया, और भोजन मुख से होते हुए सबसे पहले ग्रसनी में आया, फिर ग्रास नली की सहायता से भोजन कहां पर चला आया, आमाशय में चला आया। अब यहां पर जो मैं आपको एक लाइन में ये बता रहा हूं कि नाक से वायु आया ग्रसनी में, फिर वायु नली की सहायता से वायु फेफड़े में, मुख से भोजन आया ग्रसनी में, फिर भोजन ग्रास नली की सहायता से आमाशय में चला गया, जितनी सरलता से आपको मैं बता रहा हूं, क्या ये इतना सरल है? क्या भोजन को पता है क्या कि यही ग्रास नली का छिद्र है, यानी कि भोजन जानता है क्या कि यही ग्रास नली का छिद्र है, तो मैं ग्रास नली की सहायता से आमाशय में चला आऊं? हो सकता है कि भोजन मुख से आए ग्रसनी में और इस ग्रसनी में आकर के कंफ्यूज हो जाए। एक सेकंड, थोड़ा सा इसको मिटाना है मुझे। हाँ, ध्यान दीजिए, क्या भोजन को पता है क्या कि यही ग्रास नली का छिद्र है, तो मैं ग्रास नली की सहायता से आमाशय में चला जाऊं? हो सकता है कि भोजन ऐसे आए और गलती से भोजन वायु नली की सहायता से फेफड़े में चला जाए। भाई, हो सकता है कि भोजन गलती से वायु नली में चला जाए, या ये भी हो सकता है कि भोजन ऐसे आए और नाक के छेद से बाहर चला आए। यानी कि दो कंडीशन हो सकती है। पहली कंडीशन की अगर गलती से भोजन वायु नली में चला गया तो समस्या है, और दूसरी कंडीशन यह है कि अगर गलती से नाक की छेद में चला गया तो भी समस्या है। तो हमें दो काम करना है। पहला काम यह करना है कि भोजन को नाक के छिद्र में जाने से रोकना है, और दूसरा कार्य करना है कि भोजन को वायु नली में जाने से रोकना है। तो ये जो नाक का छिद्र होता है, जो अंदर से आकर के यहां पर ओपन होता है, इस नाक के छिद्र के ठीक सामने वी के आकार की एक संरचना लटकती रहती है। ऐसे वी के आकार की एक संरचना लटकती रहती है जिसे यवुला कहा जाता है। यवुला, यू वी यू एल ए, जिसे यवुला कहते हैं, और ये ठीक नाक के छिद्र के सामने ऐसे लटकता रहता है। जब आप अपने मुख को खोल करके शीशे के सामने आ करिए तो आपको यहां पर एक वी के आकार की मांसल युक्त संरचना लटकती हुई दिखाई देगी। ये ठीक नाक के छिद्र के सामने लटकता रहता है, और जब हम भोजन को इंगल्फ करते हैं, जब हम भोजन को निगलते हैं, तो जब भोजन ऐसे अंदर की ओर आता है, तो जब उसको ऐसे टच करता है, तो ये ऐसे ऊपर उठ जाता है और ऊपर जाकर के नाक के छेद को बंद कर देता है ताकि भोजन नाक से बाहर ना आने पाए। ऐसे लटकता रहता है, जब भोजन उसको टच करता है तो ये ऊपर जाकर के नाक के छिद्र को बंद कर देता है ताकि भोजन नाक से बाहर ना आने पाए। लेकिन जब हम भोजन को निगलते समय कभी कभी खांस देते हैं या बोल देते हैं, तो चावल या पानी के एक दो अणु जो होती हैं वो नाक से बाहर निकल आती हैं, क्योंकि उस समय वो नाक के छिद्र को ढक नहीं पाता। तो अगर आपसे सवाल पूछा जाए कि भोजन को नाक के छिद्र में जाने से कौन रोकता है, तो यवुला। अब ये जो वायु नली होता है, यहां पर एक जाल नुमा संरचना पाई जाती है। इस जाल नुमा संरचना को बोला जाता है इपिग्लॉटिस, और ये जो इपिग्लॉटिस होता है, ये भोजन को वायु नली में जाने से रोकता है। तो दो प्रश्न, पहला प्रश्न ये कि भोजन को नाक के छिद्र में जाने से कौन रोकता है, यवुला।
दूसरा प्रश्न कि भोजन को वायु नली में जाने से कौन रोकता है, तो इपिग्लॉटिस। अब भोजन आसानी से कहां पर चला आएगा, आमाशय में। भोजन का मतलब याद करिए, मैंने आपको बताया कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, वाटर, मिनरल्स और विटामिन। हमें कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट का पाचन करना है। कार्बोहाइड्रेट का पाचन हमने 5% मुख में कर लिया है। आमाशय में केवल और केवल प्रोटीन का पाचन होता है, क्योंकि आमाशय में प्रोटीन को पचाने के लिए 2 एंजाइम मौजूद है, पेप्सिन और रेनिन। अभी बताया गया था कि पेप्सिन जो होता है ये नॉर्मल प्रोटीन यानी कि सामान्य प्रकार के प्रोटीन का पाचन करके उसे अमीनो अम्ल में परिवर्तित कर देता है, जबकि रेनिन एंजाइम दूध में उपस्थित केसिन प्रोटीन का पाचन करता है। तो इस तरीके से प्रोटीन का सर्वाधिक पाचन यानी कि 70% पाचन कहां पर हो गया, आमाशय में। यहां पर ध्यान दीजिएगा कि प्रोटीन को 100% प्रोटीन को डाइजेस्ट करना था आमाशय के द्वारा, लेकिन आमाशय 100% प्रोटीन का पाचन नहीं कर पाया, केवल 70% प्रोटीन का पाचन कर पाया। तो हमारी जो छोटी आंत होती है, छोटी आंत का ये ऐसे पहला भाग होता है जो ऐसे सी के आकार का होता है, सी के आकार का। छोटी आंत का यही पहला भाग जो है इसे ग्रहणी कहा जाता है, ग्रहणी। और इसके बगल में एक अंग होता है इस तरीके से, जिसे अग्नाशय कहा जाता है, पैंक्रियाज कहा जाता है। अब यहां से जब कार्बोहाइड्रेट को भेजा जाता है, यहां पर इसको थोड़ा दूसरे कलर से मैं लिख दे रहा हूं, यहां पर जब कार्बोहाइड्रेट को सी से डिनोट किया, जब कार्बोहाइड्रेट को भेजा गया तो अग्नाशय यहां से एक एंजाइम बना देता है जिसका नाम है एमाइलेज एंजाइम। और ये जो एमाइलेज एंजाइम होता है वो कार्बोहाइड्रेट का पाचन कर डालता है। फिर यहां से भेज दिया जाता है किसी प्रोटीन को, तो जब प्रोटीन को भेजा जाता है तो अग्नाशय यहां से प्रोटीन को पचाने वाले ट्रिप्सिन एंजाइम का निर्माण करता है। और ये ट्रिप्सिन एंजाइम जो होता है वो 30% यानी कि बचे हुए 30% प्रोटीन का भी पाचन कर डालता है। ध्यान दीजिएगा, अगर आपसे सवाल पूछा जाए कि आमाशय में प्रोटीन को कौन पचाता है, तो पेप्सिन और रेनिन। लेकिन अगर आपसे सवाल पूछा जाए कि छोटी आंत में प्रोटीन को कौन पचाता है, तो ट्रिप्सिन एंजाइम। अब फैट को जब भेजा जाता है तो यहां से अग्नाशय फैट को डाइजेस्ट करने वाले लाइपेज एंजाइम का निर्माण करता है। याद रखिएगा, एमाइलेज एंजाइम का निर्माण क्यों किया गया है, एमाइलेज एंजाइम का निर्माण इसलिए किया गया है कि एमाइलेज एंजाइम, ध्यान दीजिएगा, एमाइलेज एंजाइम कार्बोहाइड्रेट को पचा सके, ट्रिप्सिन एंजाइम प्रोटीन को पचा सके। एमाइलेज एंजाइम का निर्माण करके अग्नाशय ने भेज दिया और एमाइलेज ने कार्बोहाइड्रेट को पचा दिया, ट्रिप्सिन का निर्माण करके भेज दिया, ट्रिप्सिन ने प्रोटीन को पचा दिया, लाइपेज का निर्माण करके भेजा गया किस लिए, फैट को डाइजेस्ट करने के लिए। लेकिन लाइपेज एंजाइम फैट को देखते ही पचाने से इंकार कर देता है, यानी कि एमाइलेज अपना काम कर दिया, ट्रिप्सिन अपना काम कर दिया, लाइपेज ने फैट को डाइजेस्ट करने से मना कर दिया। प्रश्न ये है कि लाइपेज ने फैट को क्यों डाइजेस्ट करने से मना किया, तो आपको पता होगा कि फैट जो होता है वो जल में अघुलनशील होता है, वसा जो होता है वो इनसॉल्युबल होता है। अब आप स्वयं से पूछिए, क्या घी जल में घुलेगा, तेल जल में घुलती है, नहीं घुलते। तो प्रश्न ये आ गया कि लाइपेज एंजाइम ने कहा कि पहले आप वसा को जल में घुलनशील बनाइए, फिर मैं फैट को पचाऊंगा। और सच में फैट क्या है, जल में अघुलनशील है। तो हमारे आमाशय के बगल में एक अंग होता है जिसे बोला जाता है लीवर। लीवर क्या करता है कि एक रस का निर्माण करता है। याद करिए, अभी मैंने आपको बताया था कि आहार नाल को सपोर्ट करने के लिए सहायक पाचक अंग होते हैं। यहां पर देखिए, अग्नाशय ने सपोर्ट किया, यह भी सहायक पाचक अंग है, लीवर ने सपोर्ट किया, यह भी सहायक पाचक अंग है।
लीवर कहता है कि बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है, अब आ गया है मेरा काम। यानी लीवर का काम क्या है? इसका काम होता है पित्त रस का निर्माण करना, बाइल जूस का निर्माण करना। सवाल पूछा जाता है कि पित्त रस का निर्माण कहाँ होता है? पित्त रस का निर्माण लीवर में होता है, और पित्त रस लीवर से बनता है, पित्ताशय में आकर के इकट्ठा होता है, गॉल ब्लैडर में आकर के इकट्ठा होता है, और यहां से पहुंचता है ग्रहणी में, और ग्रहणी में जाकर वसा को जल में घुलनशील बनाता है, और लाइपेज एंजाइम उस वसा को भी क्या करता है? पचा डालता है। तो यहां पर ध्यान दीजिएगा कि अगर आपसे सवाल पूछा जाए कि एमाइलेज एंजाइम किसको डाइजेस्ट करता है? कार्बोहाइड्रेट यानी स्टार्च को, ट्रिप्सिन प्रोटीन को, लाइपेज फैट को। पित्त रस का निर्माण कहां पर हुआ? लीवर में। पित्त रस कहां पर इकट्ठा हुआ? पित्ताशय में। और पित्त रस का कार्य क्या है? वसा को जल में घुलनशील बनाना। अब उसके बाद भोजन का सर्वाधिक पाचन हो गया कहां पर? छोटी आंत के पहले भाग ग्रहणी में। उसके बाद थोड़ा बहुत पाचन छोटी आंत के अंतिम दो भागों में, जो ऐसे मुड़ी होती है जिसे मध्यांत और शेषांत कहते हैं, यहां पर होता है। और यहां पर भोजन का सबसे ज्यादा अवशोषण होता है, पाचन बहुत कम, अवशोषण ज्यादा होता है, क्योंकि ये बहुत लंबा भाग होता है। उसके बाद भी जो भोजन नहीं पच पाता, जो भोजन नहीं अवशोषित हो पाता, उसे बड़ी आंत के सहारे, ये जो बड़ी आंत होती है ऐसे छोटी आंत को कवर किए रहती है, उसे बड़ी आंत के सहारे शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। ये होता है पूरा पूरा पाचन तंत्र। तो दोस्तों कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा, और भी कोई समस्या अगर हो रही हो तो आप कमेंट में बताएंगे तो उसका भी निदान किया जाएगा। थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट।